दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश। बिहार की राजधानी पटना में राजनीतिक सरगर्मी का एक नया दौर शुरू हो गया है और ये जो सरगर्मी का राजनीतिक दौर है ये प्रदेश की राजनीति को लेकर नहीं बल्कि देश की राजनीति को यानी केंद्र की राजनीति को लेकर इस बार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव बुधवार को पटना पहुंचे, बिहार की राजधानी। उन्होंने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और जनता दल यू के अध्यक्ष उनके साथ और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ ही कहेंगे अब जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ उन्होंने बैठक की और बैठक करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं ने एक स्वर से केंद्र की मोदी सरकार के 8 सालों को बिल्कुल सिरे से खारिज किया और कहा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार पर चल रही है। इसका काम सिर्फ प्रचार प्रोपेगेंडा करना है, अपना काम कुछ भी नहीं हो रहा है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वे खासकर केसीआर में कि भाजपा मुक्त भारत करना है। अब आपको याद होगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश को कांग्रेस मुक्त करना है, तो कांग्रेस ही डर गए और नरेंद्र मोदी जी को लगा कि कांग्रेस मुक्त करने से शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काफी खुश होगा। लेकिन बाद के दिनों में विपक्ष के जितने दल हैं, जितने प्रमुख नेता हैं, जिस तरह ईडी की, आईटी की, सीबीआई की छापेमारी, हर प्रमुख विपक्षी दल के नेता हर विपक्षी दल पर होने लगी, तो ऐसा लगा कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त नहीं, विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। यानी सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, जो लंबे समय तक आजादी के बाद देश की सत्ता का संचालन करता रहा है, सिर्फ उसको ही नहीं नेस्तनाबूद करना भाजपा चाहती है, बल्कि वो चाहती है कि समूचा विपक्ष गायब हो जाए, खत्म हो जाए और ये ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए किया जा रहा। तो दोस्तों, इन नेताओं ने कहा कि वो भाजपा मुक्त शासन करेंगे। अब ये राजनीतिक तौर पे ये जुमला बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी एक दल को आप कैसे खत्म कर देंगे, आप कैसे मेनस्ट्रीम से राजनीतिक जो सरगर्मी है उससे। लेकिन जुमला तो जुमला ही है, नरेंद्र मोदी जी के जुमले के पैरेलल केसीआर का जुमला आ गया कि भाजपा मुक्त शासन। ये जो जुमला है शायद विपक्षी दलों को एकजुट करने में काम आवे, एक सीमेंटिंग फोर्स की तरह कुछ न कुछ लोगों को जोड़े। इसके अलावा जो बड़ी बात हुई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो, और इसे पटना की बड़ी पहल माना जाएगा, और वो ये कि नीतीश कुमार, केसीआर और तेजस्वी यादव, इन तीनों ने जो बातचीत की उससे एक बात उभर कर सामने आई और ये अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग फोरम पर पिछले 12 घंटे में लगातार कही जा रही है। कुछ पोस्टर्स भी निकले हैं, उन पोस्टर्स से भी ये बात समझ में आती है जो अब मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। इन्होंने कहा कि दूसरा फ्रंट या तीसरा फ्रंट या फेडरल फ्रंट नहीं, एक ही फ्रंट होगा, एक फ्रंट होगा, यानी फ्रंट नंबर 1। तो ये जो वो कह रहे हैं, इन्होंने जो एग्जैक्टली कहा, इस बार थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट बनेगा, यानी पहला फ्रंट यानी मेन फ्रंट बनेगा। और ये जो मेन फ्रंट की उनकी धारणा है इन नेताओं की, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को इस फ्रंट में शामिल ही नहीं समझा जाएगा, बल्कि वह एक प्रमुख विपक्षी दल देश का है, मुख्य विपक्षी दल है, तो वो अपनी पूरे किरदार के साथ, अपनी पूरी भूमिका के साथ उसमें शुमार होगा, उसमें शामिल होगा। ऐसा इन नेताओं की बातचीत से ये निकलता है। तो पहले जो कहा जा रहा था कि टीआरएस की लड़ाई चूंकि राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के अलावा, इसलिए वो केंद्र की राजनीति में कैसे कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे। लेकिन
पटना की बैठक का जो संदेश है वो ये है कि राज्य की लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मोदी सरकार के विरुद्ध 2024 के लिए मोर्चेबंदी करने में टीआरएस कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है। अब सवाल इस बात का है कि ममता बनर्जी क्या करेंगी, जो अब तक ना पांव सिकोड़ रही थी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर या उसकी शिरकत को लेकर। इन नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उनका नेता कौन होगा, इसको लेकर वो जल्दबाजी में नहीं है, मिल बैठकर तय कर लेंगे। यही उन्होंने वाक्य कहा कि मिल बैठकर तय कर लेंगे, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि जो आगाज हुआ है बिहार में, अब वो आगे भी बढ़ेगा। यानी नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को बढ़ाने जा रहे हैं, ये पटना बैठक का एक संकेत, एक संदेश ये भी है। तो दोस्तों, थर्ड फ्रंट नहीं, फेडरल फ्रंट नहीं, दूसरा फ्रंट नहीं, तीसरा फ्रंट नहीं, ये मेन फ्रंट बनेगा। और इसका मतलब कि विपक्ष की जितनी प्रमुख पार्टियां हैं, नीतीश कुमार इनिशिएटिव ले रहे हैं, टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव इनिशिएटिव ले रहे हैं और तेजस्वी यादव भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, सब मिलकर सबको जोड़कर एक बड़ा फ्रंट बनाने के लिए एक तरह से पटना में जो बैठक हुई है वो एक तरह से उसका राजीनामा है। और इसके साथ ही इन नेताओं ने यह कहा है कि सबको मिलकर अब आगे से इनिशिएटिव लेना है, अकेले अलग अलग नहीं, कि एक कोई बंगाल में कुछ कहे, तमिलनाडु में कुछ कहे, तेलंगाना में कुछ कहे, बिहार में कुछ कहे, तो ये भी बात तय हुई है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा संदेश है। अगर पटना की बैठक में जो चीजें तय हुई हैं, भले ही वो तीन नेताओं की हैं, और बताया जाता है कि वो लालू प्रसाद यादव से भी मिले, के चंद्रशेखर राव डिस्कशन हुआ, लालू प्रसाद यादव तबीयत उनकी खराब रहती है और अभी वो आराम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी राजनीतिक जो एक सक्रियता है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से चलती रहती है और उनका किरदार अपना है, उनकी उनकी एक भूमिका है तमाम दलों की एकजुटता में। तो ऐसे में माना जा रहा है कि निकट भविष्य में जल्दी ही कोई ठोस संकेत निकलेगा, ठोस संदेश उभरेगा। और चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो समझा जाता है कि विपक्ष के नेता एक टोकन प्रतीकात्मक हिस्सेदारी भी उसमें निभा सकते हैं अलग अलग राज्यों में। तो इन चीजों से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, मोदी सरकार के विरुद्ध एक मजबूत मोर्चेबंदी की शुरुआत हो रही है और पटना से मैं समझता हूं कि पहल हुई है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।